नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। बिलहर उपचुनाव को लेकर बांका पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जिला पुलिस और SSB के ज्वाइंट ऑपरेशन में कुख्यात नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार। जिले भर में चलाए जा रहे विकास योजनाओं में तेजी लाने को लेकर DM ने की बैठक, तय समय सीमा के अंदर कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। पर्व त्योहार को लेकर रेलवे ने दी यात्रियों को राहत, 25 अक्टूबर से चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन। और भागलपुर में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान, कहीं वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना। और अब खबर विस्तार से। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने शनिवार को नाथनगर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। मंत्री ने श्री रामपुर, गोसाई दासपुर सहित कई पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों ने मंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया और राहत उपलब्ध कराने की मांग की। मंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। साथ ही मंत्री ने सभी बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा राशि जल्द देने की बात कही। वहीं मंत्री ने नाथनगर विधानसभा उपचुनाव में जदयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल के पक्ष में मतदान करने की अपील लोगों से की। इस दौरान उपमेयर राजेश वर्मा, प्रभाकर झा, रंजीत यादव सहित कई लोग मौजूद थे। बिलहर पुलिस और SSB के ज्वाइंट ऑपरेशन में हार्डकोर नक्सली सह कुख्यात अपराधी रवि चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए नक्सली के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया है। दरअसल बेलहर पुलिस को बेलहर विधानसभा उपचुनाव के दौरान नक्सली रवि चौधरी द्वारा बड़ी घटना को अंजाम दिए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने SSB के सहयोग से बरुआ डैम के पास स्कॉर्पियो से नक्सली को धर दबोचा। बेलहर पुलिस ने बताया कि पकड़े गए अपराधी पर जिले के विभिन्न थाना में हत्या, लूट और रंगधारी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। जिले में विकास योजनाओं को लेकर शनिवार को DRDA सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने की। इस दौरान DM ने जिले भर में चलाई जा रही योजनाओं को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। DM ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी ली। DM ने मुख्यमंत्री साथ निश्चय योजना, पर्यावरण, राजस्व वसूली एवं जल जीवन हरियाली योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इस मौके पर DDC सुनील कुमार सहित वरीय अधिकारी मौजूद थे। त्यौहार पर घर लौटने वाले लोगों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। रेलवे ने भागलपुर से दिल्ली के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पूजा स्पेशल ट्रेन भागलपुर से 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को चलेगी। यह ट्रेन साप्ताहिक होगी। भागलपुर से यह ट्रेन शाम 6:45 में खुलेगी और दूसरे दिन शाम 5:30 में आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। वहीं 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक फरक्का एक्सप्रेस दिल्ली नहीं जाएगी, बल्कि कानपुर से ही लौट जाया करेगी। कानपुर से दिल्ली के बीच ट्रेन रद्द होने से भागलपुर, मुंगेर समेत कई जिले वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पर्व त्योहार को लेकर जिले भर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को भागलपुर कचहरी चौक के समीप ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना हेलमेट और ट्रिपल लोड बाइक सवार को जांच के लिए रोका गया। कई वाहन चालकों के पास कागजात नहीं रहने और बिना हेलमेट के वाहन चलाने के एवज में जुर्माना राशि वसूल की गई। पुलिस कर्मियों ने कहा कि ट्रैफिक रूल्स के पालन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिससे लोग सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सके और नियमित हेलमेट का प्रयोग करें। जिले भर में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री वितरण करने के बाद रविवार को गरीब, असहाय एवं बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए श्री श्याम भक्त मंडल की ओर से एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा जांच के बाद मरीजों के बीच दवा का वितरण किया जाएगा। शनिवार को मंदरोजा स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रबंध न्यासी प्रभात केजरीवाल एवं संयोजक रोहित झुंझुनवाला ने कहा कि शिविर में 13 विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा 600 मरीजों की जांच का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए शहर के विभिन्न इलाकों में 6 रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है। श्याम मंडल के संयुक्त तत्वावधान के अंदर में हम लोग की एक प्रेरणा जगी है। पूरे मंडल का ये निर्णय है कि श्याम दरबार की सेवा के साथ साथ मानवता की भी सेवा की जाए। इसी कड़ी में आज से 15 दिन पहले हम लोग ने एक बड़ा मैसिव कैंप चलाया था बाढ़ सहायता का। हमारे पूरी टीम, मंडल के सदस्यगण सब गए थे।
और उसके बाद हमारी उसकी दूसरी कड़ी के अंदर में कल दिनांक रविवार को सुबह प्रातः 9 बजे से हम लोग एक निःशुल्क चिकित्सा केंद्र का किए हैं, जिसमें 13 मुख्य डॉक्टरों ने अपनी सहमति प्रदान की है, जिसमें फिजिशियन है, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, नेत्र हैं, उनका यहाँ पर विचार विमर्श कर की जो रिपोर्ट आएगी जाँचों उपरांत उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे मेडिसिन का निःशुल्क। हम लोग कल 13 तारीख को यहाँ श्याम भक्त मंडल न्यास के तत्वाधान में श्याम भक्त मंडल द्वारा एक निःशुल्क चिकित्सा केंद्र लगाने जा रहे हैं। इसके अंदर में सभी वर्ग के लोगों के लिए ये निःशुल्क चिकित्सा केंद्र है, जिसमें सभी प्रकार के हमारे डॉक्टर्स रहेंगे। मेन मकसद इसके अंदर में अपना ये है कि हर रोग के डॉक्टर हैं, बच्चे के लिए हैं, सर्जन हैं, और हमारे यहाँ कुछ हम लोगों ने कुछ एक सब्सिडी रेट के ऊपर में टेस्टिंग की भी व्यवस्था की है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। झूठे वादों का साथ अब छोड़ो, सच्चाई से अब नाता जोड़ो। नाथनगर का बेटा है डॉक्टर अशोक कुमार आलोक, सच्चा नेता है, ईमानदार, कर्मठ, शिक्षित और समाज सेवी। नाथनगर का भविष्य है यही। चुनाव चिन्ह एसी छाप क्रमांक संख्या 9 पर बटन दबाकर सबकी पसंद डॉक्टर अशोक कुमार आलोक को जिताएं, जो नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित है। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपए में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542931524 6200102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के सरस्वती शिशु मंदिर में शनिवार को लायंस क्लब ऑफ भागलपुर रॉयल की ओर से पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 8 के छात्रों ने हिस्सा लिया। लायंस क्लब रॉयल के वाइस प्रेसिडेंट आलोक सिंघानिया ने बताया कि प्रतियोगिता का थीम जर्नी ऑफ पीस है, जिसे छात्रों के द्वारा पेंटिंग के माध्यम से उकेरा गया है। वहीं प्रतियोगिता में प्रथम स्थान एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर अनुपम सिंघानिया, लायंस क्लब के पदाधिकारी, शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षा 6 से 8 के बच्चों के बीच में पेंटिंग प्रतियोगिता करवा रहे हैं। उसमें हम लोग लोगों को एक थीम दिए हैं, जिसमें जो हम लोग के इंटरनेशनल से हम लोग का रहता है, उसमें दिया जाता है कि शांति पर उन लोगों को वो चित्र बनाना है। उसमें जितने यहाँ लगभग 70 बच्चे उन्होंने भाग लिया है, इन बच्चों में से जो पेंटिंग होगी उसमें से हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइज़ उन लोगों को दे, और उसमें से हम लोग सारे हम लोग लायंस क्लब की सारी संस्था जो ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई है, उसमें से जो अच्छे पेंटिंग चूज होती है वो इंटरनेशनल में जाती है, जिस पर आगे जाके उन लोगों को विदेश में भी अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलता है। भागलपुर के कचहरी चौक स्थित होटल में शनिवार को घरेलू कामगारों का बौद्धिक विकास को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन सेवा भागलपुर की ओर से किया गया। कार्यशाला में घरेलू कामगार महिला
महिलाओं के विकास को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान सेवा भागलपुर की अध्यक्षा माधुरी सिन्हा ने कहा कि घरेलू कामगार महिला का विकास कैसे हो, इसको लेकर सभी कामगार महिलाओं को प्रशिक्षण देकर जागरूक किया गया, जिससे सभी कामगार महिलाओं को रोजगार मिल सके और वह जागरूक होकर आगे बढ़ सके। इस मौके पर काफी संख्या में सेवा भागलपुर की महिलाएं मौजूद थी। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है जो घरेलू कामगार महिलाएं उनको उनकी आवाज को देश राज्य राज्य से देश तक ले जाना, और इनका जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है घरेलू कामगार महिलाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वहाँ तक इनकी बात पहुँचे, वो अपनी बात को वहाँ जाके बोल सके, इसकी तैयारी में हम लोग पूरे जिले में लगे हुए हैं। बिहार से मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पटना, इन महिलाओं को हम लोग संगठित कर रहे हैं। आज जो आई है वो सभी लीडर बहन हैं, उन महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व करती हैं बस वही बहन आ जाई हैं, और यहाँ से फिर इन लोगों की ट्रेनिंग दिल्ली में होती है, वहाँ ट्रेनिंग होगा, वहाँ जाएंगे, यहाँ से चुन करके जाएंगे। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर शनिवार को डीआरडीए सभागार में चुनाव ड्यूटी में लगाए गए कर्मियों को ईवीएम का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का नेतृत्व डीआरडीए डायरेक्टर प्रमोद कुमार पांडे ने किया। इस दौरान मास्टर ट्रेनर के द्वारा ईवीएम को इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण मौजूद कर्मियों को दिया गया। मास्टर ट्रेनर ने मौजूद सभी कर्मियों को ईवीएम की विशेषताओं से अवगत कराते हुए उसके संचालन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। हम आपको बता दें कि नाथनगर विधानसभा उपचुनाव में 21 अक्टूबर को मतदान होगा, जिसके चुनाव ड्यूटी में लगाए गए कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद मातृ शक्ति द्वारा शनिवार को महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन माननीय प्रांत सात संगठन मंत्री चितरंजन जी ने किया। इस दौरान संगठन मंत्री ने मौजूद महिलाओं को हिंदुत्व धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। संगठन मंत्री ने कहा कि मातृ शक्ति के द्वारा संस्कार केंद्र भी चलाया जा रहा है, जिसमें सभी बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर विभाग मंत्री पारस शर्मा, सुमित, मोनिका महेशका, पिंकी बाजोरिया, प्रतिमा साह सहित कई महिलाएं मौजूद थी। भागलपुर नाथनगर स्थित पूरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में शनिवार को विद्यालय स्तरीय गणित विज्ञान मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय सचिव उपेंद्र रजक, प्रधानाचार्य रामजी सिन्हा, पूर्व उप प्रधानाचार्य प्रभास मिश्र एवं प्राचार्य अजीत कुमार ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। विद्यालय सचिव उपेंद्र रजक ने कहा कि विज्ञान का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है, विज्ञान एक विषय नहीं एक व्यवहार है, जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य सूचना एवं ज्ञान का सदुपयोग कर सकते हैं। प्रधानाचार्य अजीत कुमार ने कहा कि छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने को लेकर विद्यालय स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान मेला का आयोजन किया जाता है। मंच का संचालन सुप्रिया कुमारी एवं शशि भूषण मिश्र ने किया। इस मौके पर काफी संख्या में शिक्षक एवं छात्र छात्रा मौजूद थे। पूरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर में विद्यालय स्तरीय गणित विज्ञान मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें कक्षा द्वितीय से पंचम तक के भैया बहनों ने भाग लिया है, और इसमें जिन भैया बहनों का चयन होगा वो 16 अक्टूबर को विभाग स्तरीय विज्ञान मेला जो इसी विद्यालय में आयोजित है, विभाग स्तरीय विज्ञान मेला में बच्चे भाग लेंगे, और उसके पश्चात फिर क्रमशः प्रांतीय और क्षेत्रीय विज्ञान मेला के में बच्चे भाग लेंगे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से राजद महानगर प्रवक्ता की ओर से वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान राजद प्रवक्ता ने कहा कि शहर के सभी शैक्षणिक संस्थानों में वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है और लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार वृक्षों की कटाई की जा रही है उससे पर्यावरण पर गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है, पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्ट्रा ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। बिलहर उपचुनाव को लेकर बांका पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जिला पुलिस और एसएसबी के ज्वाइंट ऑपरेशन में कुख्यात नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार। जिले भर में चलाए जा रहे विकास योजनाओं में तेजी लाने को लेकर डीएम ने की बैठक, तय समय सीमा के अंदर कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। पर्व त्योहार को लेकर रेलवे ने दी यात्रियों को राहत, 25 अक्टूबर से चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन। और भागलपुर में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान, कहीं वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।